खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। मैं हूं आपके साथ जहांरा और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। तो चले चलते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। पुरकाजी बारा विकास खंड कार्यालय के प्रांगण में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी समस्याओं का समाधान कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार आज विकासखंड कार्यालय पर पहले समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मीना त्यागी बाल संरक्षण अधिकारी ने लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया तथा विस्तार से बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभार्थी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इसके उपरांत लोकेश सैनी एडीओ ने विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन के बारे में जानकारी देते हुए लाभार्थियों के फॉर्म भरकर जमा कराए। इस प्रकार विकासखंड कार्यालय पर आए सैकड़ों पुरुष एवं महिलाओं ने ब्लॉक दिवस का लाभ उठाया और मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं की प्रशंसा की है। इस अवसर पर बाल विकास संरक्षण अधिकारी मीना त्यागी, वीडियो प्रभारी ओमवार सिंह, हरिंद्र सिंह, लोकेश सैनी, राजकुमार नीरज, कौशिक अंकित कुमार सहित आदि विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। पुरकाजी से मन्नत समाचार के लिए शहजाद पत्रकार की रिपोर्ट। सर, आज पुरकाजी ब्लॉक के प्रांगण में किस तरह की मीटिंग की गई है? जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर के निर्देशानुसार प्रत्येक बृहस्पतिवार को ब्लॉक दिवस पर ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाएगा। आज प्रथम ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं होंगी जो लेकर लोग हाजिर होंगे उन सबका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाएगा। इसमें यहाँ सभी प्रकार के खंड स्तरीय अधिकारियाँ मौजूद हैं, जिसमें ये बाल विकास है, CDPO है और आपके विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विद्युत विभाग, लेखपाल, समस्त लोग यहाँ मौजूद हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कर दे के हमें निर्देश प्राप्त हुए और अभी तक कोई समस्या प्राप्त नहीं हुई है। समस्या प्राप्त हो जाएगी, उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे सर?